आज जो ये रैली निकाली जा रही है, ये सरकार ने जो किसानों के विरोध में 3 काले कानून पास किए हैं, किसानों ने इन कानूनों को मांगा नहीं था, लेकिन सरकार जबराना थोप कर और किसानों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके विरोध में किसान लगातार 9 महीने से देश की सीमा दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार हम किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है और गुलाम बना चुकी है। सरकार काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है, इसलिए एक आक्रोश व्याप्त किया गया जिले के अंदर, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। हमने भी आज ये आक्रोश रैली निकाली है कि सरकार इन काले कानूनों को तत्काल वापस ले, और अगर सरकार तत्काल ये काले कानून वापस नहीं लेती है तो आगामी समय पे किसान उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। आज हम लोग गांधीवादी तरीके से एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि सरकार इन काले कानूनों को वापस ले ले, जो किसान विरोधी कानून है उनको तत्काल सरकार वापस करे, इसलिए आज एक रैली निकाल रहे हैं और ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर AK खान।